ओ मैडम थोड़ा संभल करके गिर मत जाना, एग्जाम तो आ गया सिर पे अब और क्वेश्चन वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आर यू रेडी? गेट 2018 बायोटेक को सॉल्व करने के लिए पहले से पता होना चाहिए कि पहले वाले एग्जाम में क्या आया है, उससे आइडिया मिल जाता है और जंग से पहले तैयारी हो जाती है कि क्या आ सकता है और क्या हमें करना पड़ेगा। या तो क्वेश्चनों को देख करके चुपचाप निकल लो, क्वेश्चनों से बच जाओगे बट नंबर नहीं ला पाओगे, या फिर घुटने टिका दो, क्वेश्चन के हाथ जोड़ लो, बाबूजी प्लीज कैसे भी करके मुझे आंसर दे दो। अरे भाई ऐसे आंसर नहीं आते, आंसर निकालने के लिए तो तुम्हें उड़ना पड़ता है पेपर में, टाइटैनिक उड़ोगे तो डूब जाओगे। उड़ो तो फिर ढंग से उड़ो, क्वेश्चनों को देख करके फील करो, मजा सा आ जाए, कुछ लगे कि जिंदगी बन गई है। सपने देखने को कौन रोक रहा है, देख लो सपने। सपनों में तो केवल आंख खुलनी होती है, मालूम पड़ता है कि भाई रियलिटी कुछ और थी। एग्जाम से पहले तो तैयारी करनी पड़ती है और तैयारी ऐसी करनी पड़ती है कि फिर कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे, एग्जाम के सामने जम के डटेंगे। आई फ्लाई की सेफ क्लासेस में हम लोग शॉर्ट एक्यूरेट फास्ट और एफिशिएंट तरीके से यही तो सीखते हैं कि एग्जाम में क्या आता है और कैसे करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। एग्जाम से पहले अपने हथियारों को पॉलिश कर लो ताकि पेपर जब आए तो कूद पड़ो उसके अंदर और निकाल लो उसमें से आंसर। क्वेश्चन ऐसे करने चाहिए कि फिर कोई ऑप्शन तुम्हें परेशान ना करे, सब ऑप्शनों को काट कूट करके जो असली आंसर है वो निकाल लो। क्वेश्चन नंबर वन, अब यहाँ बैक्टीरिया के बारे में बात कर रखी है भाई। बैक्टीरिया को बहुत तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, पता नहीं क्या क्या तरीके हैं उसके। और ऐसे एक तरीका है कि फ्लैजेला कहाँ मिलेगा उसके बेस पर भी क्लासिफिकेशन है। और क्वेश्चन में मांगा गया है कि जो फ्लैजेला दो या दो से ज्यादा हो और वो भी दोनों एंड पर या एक एंड पर हो, तो ऐसी कंडीशन एक में होती है, लोफोट्राइकस। तो जो बाकी नाम है वो नाम भी याद रखने में कोई बुराई नहीं है। हैरी पॉटर की मूवी में झाड़ू भी नहीं उड़ा करते लोग बाग, बैक्टीरिया के पास भी अपने झाड़ू है। हाँ उड़ने के लिए नहीं है, पानी में तैरने के लिए तो है फ्लैजेला। यहाँ तो झाड़ू को उड़ाने के लिए जादू चाहिए था और वहां फ्लैजेला को घुमाने के लिए चाहिए होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर टू, वायरस क्लासिफिकेशन का सवाल है, पूछ रखा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का वायरस कौन सा है। अब तुम कहोगे यार इतने कहां से वायरस हम याद करेंगे भाई, क्लासिफिकेशन में सारे वायरस याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे वायरस तो याद कर सकते हो जो एक्सेप्शन हो, जैसे कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के वायरस या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरस। भाई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो कॉमनली मिल जाता है, तो एग्जाम में तो कुछ खास ही पूछते हैं। अब सिंगल स्ट्रैंड के लिए डीएनए के लिए पार्वो है, आ गया पार्वो। पार्वो वायरस जो है ह्यूमन में तो रेयरली बीमारी करता है, लेकिन जो पपीज वगैरह होते हैं उनमें बहुत कॉमन बीमारी करता है, अर्ली एज में जानलेवा बीमारी है। तो अगर पपी हो प्यारा तो करा लेना उसका वैक्सीनेशन सारा। क्वेश्चन नंबर थ्री, खाने की कहानी है, लैकोप्रॉन। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि लैकोप्रॉन जो है भाई हर बार आने वाला क्वेश्चन है और बहुत कॉमनली पूछते हैं, सिर्फ गेट का एग्जाम नहीं है कि गेट के एग्जाम में ही लैकोप्रॉन की बात करते हो, और भी बहुत एग्जाम में लैकोप्रॉन में सवाल आते हैं। और इसमें एक खास बात यह भी है लैकोप्रॉन की, लैकोप्रॉन वैसे तो लैक्टोज के कैटाबोलिज्म के लिए है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज के कंट्रोल में भी काम करता है। और काम करता कैसे, जब लैक्टोज की कहानी की बात करते हैं तो हम केवल लैक रिप्रेसर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर जाके बाइंड करेगा। लेकिन अगर ग्लूकोज की बात भी करें तो ग्लूकोज की भी कहानी है अपनी। आरएनए पॉलीमरेज को नहीं पता कि प्रमोटर कहां है, आरएनए पॉलीमरेज तो अंधा चूहा है। आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ करके ये बताने के लिए कि भाई यहां प्रमोटर है, यहां बाइंड करो और यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करो, ये जिम्मा है कैप नाम के प्रोटीन का। लेकिन कैप नाम का प्रोटीन भी खुद अकेला काम नहीं कर सकता, उसे भी हेल्प चाहिए साइक्लिक एएमपी की। और साइक्लिक एएमपी बनता है एटीपी से बनाने के लिए एंजाइम है एडिनाइलेशन साइक्लेज। ये एंजाइम काम तभी करेगा जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा। पॉइंट सिंपल सा है, अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों अवेलेबल हैं बैक्टीरिया के पास तो बैक्टीरिया लैक्टोज खाना नहीं चाहेगा, ग्लूकोज प्रेफरेंशियल सोर्स है, तो ग्लूकोज की प्रेजेंस में एडिनाइलेशन साइक्लेज एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, साइक्लिक एएमपी बनता नहीं, कैप चिपकता नहीं। तो आरएनए पॉलीमरेज ढूंढता रहता है कि भाई लैकोप्रॉन है कहां से शुरू करूं कहां से पढ़ूं, और लैकोप्रॉन काम नहीं करता। तो बेसिकली लैकोप्रॉन जो है वो ग्लूकोज के कंट्रोल में ज्यादा अच्छा है। तो अब क्वेश्चन में पूछ रखा था उन्होंने कि ग्लूकोज का लेवल भी लो है और लैक्टोज का लेवल भी लो है, तो एडिनाइल साइक्लेज काम करने वाला है, कैप बाइंड करने वाला है और लैक का रिप्रेसर भी बाइंड करने वाला है। फिर तो तुम्हें आंसर मिल ही गया ना इसका, कि दोनों रिप्रेसर भी और साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स भी बाउंड करेंगे अपने रिस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट से, ऑप्शन नंबर डी। अब सिर खुजाना बंद करो और समझो कि जैसे हम लाइफ में खाने को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई खाएं ना खाएं, क्या खाएं, चॉकलेट खाओगे या आलू, तुम्हारी चॉइसेस पर डिपेंड करेगा, तुम्हारी भी तो प्रेफरेंस है कि क्या खाना चाहते हो क्या नहीं।
बैक्टीरिया की भी प्रेफरेंस है और हमेशा बैक्टीरिया लैक्टोज की जगह पर ग्लूकोज को प्रेफरेंस देता है खाने के मामले में। क्वेश्चन नंबर 5, सेल साइकिल। यार सेल साइकिल तो मतलब ऐसी चीज हो गई कि इसके बिना तो क्वेश्चन पेपर में कुछ बात करनी ही बेकार है। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्वेश्चन पेपर का, और क्वेश्चन इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पे एक टिपिकल माइटोटिक सेल डिवीजन पूछ रखा है, यूकेरियोट पूछ रखा है, उन्होंने एम फेस आता कब है, किसके बाद, इतना तो तुम भी देख के बता दोगे क्वेश्चन में कि एम फेस आने वाला कहां है। फिर भी देखो, G1 के बाद आता है एस फेस, एस के बाद आता है G2, G2 के बाद M, और M के बाद आता है वापस G1। G1 फेस का काम है सेल को ग्रोथ कराना, इसलिए इनका नाम है G फॉर ग्रोथ। S में DNA डिवाइड करता है, और जब DNA डिवाइड हो गया तो सेल फिर ग्रो करेगी, ये देखने के लिए कि भाई सेल डिवीजन के लिए रेडी है या नहीं। और फिर G2 के बाद आता है M फेस, जिसमें सेल डिवाइड करती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है कि एम फेस किसके बाद आएगा? एम फेस आएगा जब डीएनए डिवाइड कर चुका होगा और उसके बाद की सेल डिवीजन के लिए जरूरी प्रोटीन भी बन चुके होंगे जो G2 में बनते हैं। तो G2 फेस के बाद सेल में तो ये होता है भाई, सेल साइकिल जब खत्म होती है तो बदले में और दो नई सेल पैदा हो जाती है। हाँ, ह्यूमन की जो साइकिल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ह्यूमन की सेल साइकिल जब खत्म होती है तो ऐसे एक बाबू जी आते हैं, गले में फंदा बांध के ले आते हैं निकाल के ऊपर को। क्वेश्चन नंबर 7, ATP सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कहाँ नहीं आता यार, हर जगह पूछते हैं। कभी इनहिबिटर पूछ लेते हैं, कभी ये पूछ लेते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडिएंट कहाँ बन रहा है, कभी ये पूछ लेते हैं कि F1 पार्टिकल ATP बना कैसे रहा है। अब इतना तो हमें याद है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की कहानी में हमेशा एक प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनेगा, प्रोटॉन का ग्रेडिएंट बनेगा, और ये ग्रेडिएंट माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनता है, क्लोरोप्लास्ट में भी। माइटोकॉन्ड्रिया में जहां इस ग्रेडिएंट को बनाने के लिए प्रोटॉन पंप चलाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके, क्लोरोप्लास्ट में सेम वही काम चलता है सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करके। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाले ATP को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और क्लोरोप्लास्ट में जो ATP बनता है उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इन्होंने ये पूछ रखा है कि ATP की जो बायोसिंथेसिस है उसके लिए H पॉजिटिव ग्रेडिएंट बनाया जाएगा। अब ये बताओ कि H पॉजिटिव ग्रेडिएंट बनेगा कहां? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो H पॉजिटिव ग्रेडिएंट बनता है ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में बनता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, जबकि क्लोरोप्लास्ट में ये थायलाकोइड के अंदर की जो स्पेस है, जिसे हम थायलाकोइड ल्यूमन भी कहते हैं, वहां ये ग्रेडिएंट तैयार होता है H पॉजिटिव का, जिससे बाद में F1 पार्टिकल इस ग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके जब प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो वो ATP बनाएंगे। अब इसी चीज को क्वेश्चन में अप्लाई करो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा भाग करके। तो जो ग्रेडिएंट बन रहा है वो है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अक्रॉस द थायलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। जब भी कभी डैम देखो ना, तो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के कहानी को याद रखना, पानी की जगह पे प्रोटॉन ग्रेडिएंट को फॉलो करना। तो जैसे पानी के फ्लो से डैम में बिजली बनती है, सेम वैसे ही प्रोटॉन के फ्लो से F1 पार्टिकल ATP जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, डाइसैकेराइड। और पूछ रखा है उन्होंने कि beta-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें है। भाई beta-1,4 लिंकेज के लिए पहली बात, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका एक का कार्बन नंबर 1 और एक का कार्बन नंबर 4 अटैच होने चाहिए। और बीटा बोल दिया उन्होंने, तो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं या जो भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो बीटा फॉर्म में होने चाहिए। अब ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है लैक्टोज और सेलोबायोस में। लैक्टोज दूध में मिलता है, दूध वो जिससे हम पीने से हमेशा बचते हैं। दूध में ग्लूकोज और गैलेक्टोज beta-1,4 बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली सेलोबायोस भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेलुलोज के डिग्रेडेशन से बनता है, और सेलुलोज में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है वो बीटा है। तो वहां जो होगा डाइसैकेराइड मिलेंगे सेलोबायोस, तो बट ऑब्वियस है उन दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जो कि बीटा के हैं, beta-1,4 लिंकेज ही मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। इस डायग्राम को ढंग से देख करके ये भी चेक कर लो कि जो बाकी आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, आपके जो बाकी डाइसैकेराइड्स हैं, उनमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं और किस फॉर्म के हैं। दूध तो तुम्हें याद ही है, दूध के बिना कोई जिंदगी नहीं है। और दूध हमें ही नहीं, बैक्टीरिया को पसंद है। मत भूलो कि ये लैक्टोज की कहानी जो दूध की है वो हमारे साथ तो है ही है, साथ में बैक्टीरिया के साथ भी है। क्वेश्चन नंबर 11, जंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एंटीबॉडी की दो तरह की चैन होती है, एक हैवी और एक लाइट, और इनको बनाने के लिए लिमिटेड जीन है, बट फिर भी बहुत तरह के एंटीबॉडी बनते हैं। और बहुत तरह के एंटीबॉडी इसलिए बनते हैं कि जब भी कभी एंटीबॉडी के जो पार्ट्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं, जीन के लेवल पर तो सब कुछ है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने के बाद में कॉन्स्टेंट वेरिएबल डी और जे सेगमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द चैन वो आपस में आकर जुड़ जाते हैं। आपने कभी ट्रांसक्रिप्शन में अल्टरनेट स्प्लाइसिंग पढ़ी हो तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र भी यहाँ है, और DNA के लेवल पर रिकॉम्बिनेशन का भी। तो जब कभी V, D और J जुड़े होते हैं आपस में,
तो उस टाइम न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ऐड हो रहे हैं बीच में, किस तरीके से जोड़ा गया है, इसके बेस पर बोलते हैं जंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। ये या तो होती है पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन या फिर होती है एन एडिशन। इससे डायवर्सिटी क्रिएट होती है, एंटीबॉडी के टाइप्स बनते हैं कई तरह के। ये मैं IgM IgG की बात नहीं कर रहा, IgG में भी बहुत टाइप के होते हैं। एक इंसान के अंदर 10 की पावर 10 डिफरेंट एंटीबॉडी बनाने की ताकत है, जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी रिपर्टोयर। और एंटीबॉडी को कभी किलर मत मान लेना, एंटीबॉडी तो एक तरह का ट्रांसमीटर है। जिस एंटीजन के ऊपर फिट हो गया, बस समझो कि वो एंटीजन बीप बीप करता हुआ घूम रहा है और इम्यून सिस्टम बड़े आराम से उसे पकड़ लेंगे। एंटीबॉडी मार्कर है जिसके ऊपर चिपक गया, उसे डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये फौरन है और इसे मरना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, अब बताओ भाई इनके फंक्शन के बेस पर इनमें से ऑड कौन सा है, माई साई SH SN। देखो ये तो स्टोरी तुमने पढ़ रखी होगी, एक एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग बाहर से एक SHRNA डालते हैं, शॉर्ट हेयर पिन RNA या फिर CSIR-UGC बनाकर डालते हैं, जिसका काम है टारगेट मैसेंजर RNA के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करना। तो इस स्टोरी में माई RNA नेचुरल एंटीसेंस का तरीका है, साई और SH इन्हें हम आर्टिफिशियली बनाते हैं और सेल के अंदर डालते हैं ताकि हम टारगेट जीन के ट्रांसलेशन को रोक सकें या फिर मैसेंजर RNA को डिग्रेड कर सकें। बचा SNRNA, SNRNA याद है स्प्लाइसिंग में काम आता है, स्प्लाइसोसोम्स U1 U2, ये है जो इंट्रोन को पहचानता है और ये डिसाइड करवाता है सिस्टम के द्वारा कि भाई ये इंट्रोन है जिसे काट के बाहर निकालना है। मैसेंजर RNA को काम करने से रोकता नहीं है, बल्कि इंडीड प्रमोट करता है कि भाई मैसेंजर RNA ढंग से प्रोसेस हो जाए। तो जो कहानी थी ना, ये कहानी थी एक कारपेंटर की और एक शूटर की। शूटर जो है वो थे आपके एंटीसेंस RNA में काम आने वाले, और कारपेंटर है तुम्हारा SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। क्वेश्चन नंबर 18, बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की ट्रीटमेंट की, और पूछ रहे हैं कि किस स्टेप पर बायोलॉजिकल प्रोसेस इस्तेमाल होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी या क्वार्टरनरी। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ना भी पढ़े हो भाई, ये तो पढ़ा होगा कि बायोटेक के अंदर जब हम एनवायरमेंट को क्लीन करने की बात करते हैं या फिर जो गंदा पानी होता है उसे साफ करने की बात करते हैं, तो उसमें कई लेवल है साफ करने की, जिनमें से स्पेसिफिकली सेकेंडरी ट्रीटमेंट है जहां पे हम लोग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स, ग्रास, बैक्टीरिया, और फिर उस गंदे पानी को हम साफ कर लेते हैं इन माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से। तो यहाँ बैक्टीरिया है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल होता है सेकेंडरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसलेशन भी एक ऐसी पार्ट है जो एग्जाम्स के अंदर बहुत कॉमनली पूछा जाता है, और यहाँ पर ट्रांसलेशन में भी इलोंगेशन स्टेप की बात कर रखी है। इलोंगेशन स्टेप वो है जहां राइबोसोम प्रोटीन को बनाना शुरू कर चुका है। तो भाई यहां जो काम होने वाला है, सबसे पहला काम जो इसमें से लाइन के अंदर दे रखा है अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर RNA, ये काम ट्रांसलेशन के एलोंगेशन में नहीं होता, ये इनिशिएशन में होता है, छोटी सब यूनिट से बाइंड करना ताकि राइबोसोम पहचान सके कहां से शुरू करना है, बट हम शुरू करने की बात नहीं कर रहे। लोड करना अमीनो एसिड ट्रांसफर RNA को ए साइट पर, हाँ जी ये काम होता है। जब कभी ट्रांसलेशन का एलोंगेशन चल रहा होता है तो नया ट्रांसफर RNA ए साइट पर आता है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ए साइट वाले ट्रांसफर RNA के अमीनो एसिड में और पी साइट पर जो ऑलरेडी पेप्टाइड बनी हुई रखी थी उसमें, और इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए राइबोसोम का राइबोसोमल RNA काम आता है। राइबोसोम की सब यूनिट्स डिसोसिएट होंगी जब जब टर्मिनेशन होगा, तो ये तो कहानी गड़बड़ है। क्यू ठीक है, आर ठीक है, और टी ट्रांसलोकेशन, जब ट्रांसफर RNA ए साइट पर आया था और उसने पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया तो इसको पी साइट पर खिसकाना भी होता है, और खिसकाने के लिए जिम्मेदार होता है एलोंगेशन फैक्टर जी। तो यहाँ जो स्टेटमेंट मेरे ठीक है वो है क्यू आर और टी, ऑप्शन नंबर 3। इस डायग्राम में समरी कर रखी है ट्रांसलेशन की एलोंगेशन प्रोसेस की, एक बार तसल्ली से बैठ के आराम से देख लेना। देख करके तुम ये पाओगे कि जैसा कार में मैन्युफैक्चरिंग लाइन होती है, ऐसे ही राइबोसोम की भी ये लाइन है कि जो प्रोटीन बन रहा है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि एलोंगेशन फैक्टर TU, TS, एलोंगेशन फैक्टर G, ट्रांसफर RNA, ये सब काम करते हैं इकट्ठा प्रोटीन की सिंथेसिस में। क्वेश्चन नंबर 28, DNA की सीक्वेंस दे रखी है हमें और इसको म्यूटेट कर दिया गया, जो म्यूटेशन हुए हैं वो नीचे दिखा दिया उन्होंने, और पूछा हुआ कि इनमें से कौन सा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं है। देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जब होता है जब किसी DNA के सीक्वेंस में या तो बेस एक्स्ट्रा ऐड हो जाए या कम हो जाए। अब आप सीक्वेंस की लंबाई को नाप लो और सीक्वेंस को चेक कर लो, अगर सीक्वेंस सब में एक जैसी दिखाई दे रही है तो मतलब इसमें कहीं एडिशन या डिलीशन तो नहीं है, क्योंकि एडिशन या डिलीशन से जो फ्रेम है वो खिसक जाएगा आगे थोड़ा सा, और यहाँ इन्होंने सब एक के ऊपर एक लगा रखे हैं, तो देखना आसान है, बड़े आराम से हम बता सकते हैं कि कहाँ पर मिसमैच मिल रहा है मुझे। मिसमैच का मतलब है कि कहाँ पे अलाइनमेंट नहीं है,
अब जहां ये एक एक्स्ट्रा बेस आया तो नोटिस करो कि जो एडेनिन के नीचे एडेनिन आना था, जहां जी आना था वहां पे ए आ गया। इसके बाद की सारी कहानी एक एक खिसक गई है। तो मतलब यहां पर एक प्लस एड हुआ है, प्लस वन जो जी है, जबकि यहां जो एक गैप है, गैप का मतलब है डिलीशन हुआ है, तो यहां माइनस वन हुआ है। लेकिन बाकी सबकी जो लंबाई है और जो सीक्वेंस का ऑर्डर है नोटिस करो वो सब एक जैसा है, ओवरलैपिंग। और इस अलाइनमेंट को देख के तो मालूम पड़ गया कि बाकी जितने भी ये तीन हैं टी एस और पी, इनके अंदर बेसिस के नंबर नहीं बढ़े और ना नंबर घटे, मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ है केवल, और सब्स्टिट्यूशन कभी भी फ्रेम शिफ्ट नहीं करता। तो जो आंसर हो गया मेरा वो है पी एस टी, ऑप्शन नंबर बी। तुम तो यार टाइपिस्ट बन गए पूरे के पूरे, बड़े आराम से निकाल लिया आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ये पूछ रखा है उन्होंने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन को लेकर के। यार बायोटेक और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन तो समझ लो कि बस रामलाल श्यामलाल की जोड़ी होगी। इनकी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन में मिलने वाला जो टाइप प्लाज्मिड है और उसमें जो मिलने वाला टीडीएनए है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है जेनेटिक कंपोनेंट का जो कि असेंशियल है टीडीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। बट टीडीएनए जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन के प्लाज्मिड में मिलता है एक पार्ट, और इस टीडीएनए में वो जीन्स हैं जो प्लांट सेल को ट्यूमर बनाती हैं। ये साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की जीन है, इसके अलावा ओपाइन की जीन भी होती है। तो अगर मैं इस प्लाज्मिड को देख लूं तो इसमें एक है राइट बॉर्डर, एक है लेफ्ट बॉर्डर, और बीच में ये ऑक्सिन साइटोकाइनिन की जीन है जो प्लांट को कैंसरस में कन्वर्ट कर देंगे, और ओपाइन बैक्टीरिया का कच्चा खाना है, खाना खुद बनाता है बैक्टीरिया अपना। जो जेनेटिक इंजीनियर होते हैं उन्होंने क्या करा कि ऑक्सिन हटा दिया, साइटोकाइनिन हटा दिया, ओपाइन हटा दिया, काफी है, और इसकी जगह पर अपनी जीन डाल दी, और अब ये प्लाज्मिड बन गया तुम्हारा एक ट्रक सामान लादने के लिए अपना। लेकिन ये प्लाज्मिड ठीक ठाक तरीके से बैक्टीरिया में घुस जाए उसके लिए वायलेंस जीन का होना बहुत जरूरी, क्योंकि इससे बनने वाले प्रोटीन वो हैं जो ये बताते हैं कि भाई कैसे ये प्लाज्मिड यहां से निकल करके प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। इसमें काफी सारी जीन होती है, जैसे कि वर ए वर जी वगैरह, या वर ई वर डी, ये जीन्स हैं जो सिंगल स्टैंड टीडीएनए को निकाल करके प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट करने में हेल्प करती हैं। तो अब क्या इंपॉर्टेंट चाहिए मुझे, मुझे बॉर्डर रिपीट सीक्वेंस चाहिए, लेकिन मुझे ऑनकोजीन नहीं चाहिए। ऑनकोजीन क्या थी, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की जीन। बॉर्डर रिपीट चाहिए प्लस साथ में वर्ड जीन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओपाइन मुझे नहीं चाहिए, ओपाइन बैक्टीरिया को चाहिए होता, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है बैक्टीरिया को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, अपना काम होना चाहिए, हम लोग बड़े सेल्फिश हैं यार। क्वेश्चन नंबर 30, अब है क्वेश्चन नंबर 31 में कितने सारे मॉलिक्यूल दे रखे हैं और ये मॉलिक्यूल के हाथ में प्लांट के सोर्स दे रखे हैं, बताओ भाई। सीधा सवाल था कि मैचिंग करने की बात कर रहे हैं, इनमें से किसी का पता है तुम्हें? चलो मैं बात करता हूं। क्या तुम इस फूल को जानते हो? इसका नाम है सदाबहार, विंका रोजिया, घर घर में मिलता है यार, सबसे आसानी से उगने वाला पौधा है, पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते, अपने पड़ोसी के ऐसे मांग लो एक पौधा और उगा लो और 12 महीने फूल देता है। इसमें विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन नाम के केमिकल मिलते हैं वो जो सेल साइकिल को ब्लॉक करते हैं। तो ये है पॉपी का फूल, इस पॉपी के फूल से ड्रग्स भी बनती हैं और उन ड्रग्स से दवाइयां बनती हैं, जैसे कि मॉर्फिन, और यह धतूरा, धतूरा से कुछ ऐसे केमिकल्स मिलते हैं जो केमिकल्स जॉम्बीज बना देते हैं, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर अगेन कम मात्रा में इससे मिलने वाला जहर भी दवाई के रूप में काम आता है। ये भी फूल देखे होंगे, अगर इसे नहीं भी पहचानते तो इसे तो पहचानते होंगे, गेंदा। और ये गेंदा वो है जिससे इंसेक्टीसाइड कुछ केमिकल्स तैयार होते हैं, याद है कितनी भयानक बदबू आती है इसके पत्तों में से। तो क्वेश्चन पर वापस आ जाओ, विन क्रिस्टिन की जो कहानी है वो है कैथरेंथस रोजियस, सदाबहार का पौधा जिसे हम लोग विंका रोजिया भी कहते हैं। मॉर्फिन मुझे मिलेगा पेपावर सोमनीफेरस, जो पॉपी नाम के पेड़ थे। तो ये जो टेगेट्स इरेक्टा है ये तुम्हारा गेंदे का पेड़ है। अगर मैं केवल यहां इतने से ही बात कर लूं तो एस का 2 और पी का 3, एस का 2 और पी का 3, ऑप्शन नंबर बी। स्कोपोलामाइन जिसे हम लोग डेविल्स ब्रेथ भी कहते हैं, ये वो दवाई है जिसे ज्यादा मात्रा में देने से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिसे मैं बोल रहा था कि जॉम्बीज बन जाते हैं, और ये मॉलिक्यूल धतूरा से मिलता है। तो पायरेथ्रिन जो कि एक इंसेक्टिसाइड्स है, ये मुझे गेंदे के फूल से मिलता है। इसी तरीके से कुछ और प्लांट के नाम भी आपको याद रखने चाहिए जो हमारे बीमारियों में या फिर इंसेक्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अब देखने पहली नजर में देखने में लगता है कि थोड़ा मुश्किल सवाल है। ट्रांसजेनिक प्लांट रिसर्च की बात कर रहे हैं, जेनेटिक एलिमेंट कौन से यूज करते हैं और उन्होंने मैच करने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पे यूबिक्विटिन 1 का प्रमोटर है, नॉस है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर, बार सिलेक्शन, यार नो डाउट कि ये एक रट्टाफिकेशन वाली इन्फॉर्मेशन रहती है, बड़ा मुश्किल होता है इसको याद करना। चलो छोड़ो थोड़ी देर के लिए, रट्टा छोड़ दो,
दिमाग लड़ाओ। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्लांट रिसर्च की। अब प्लांट रिसर्च में अगर प्रमोटर है तो प्रमोटर कौन सा लोगे? वो जो प्लांट ओरिजिन का है या किसी और ओरिजिन का? नोटिस करो यहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं इनमें से केवल एक ही ऑर्गेनिज्म प्लांट है और बाकी सबके सब बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के प्रमोटर को यूकैरियोट्स में नहीं पहचाना जाता। प्रमोटर्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स के अलग टाइप के होते हैं और प्रोकैरियोट्स के अलग टाइप के। इसलिए जिस भी होस्ट में आप किसी जीन को एक्सप्रेस कराना चाहते हो तो उसमें प्रमोटर उसी टाइप का होना चाहिए। तो सीधा सा आप इसको ऐड कर दो ना कि प्रमोटर जीएमएस का होगा। जीएमएस मतलब मक्का, तो पी का चार। और कितनों में पी का चार? एक ही ऑप्शन में, डी। लेकिन उसके अलावा फिर भी याद रखना चाहिए तुम्हें कि जब यहाँ ऑप्शन के अंदर आया है तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में कोई बुराई नहीं है। गस रिपोर्टर जीन इकोलाई से निकालते हैं हम लोग और एक एंजाइम बनाता है ग्लुकुरोनेज जो एक्स ग्लुक नाम के मॉलिक्यूल को जो कि कलरलेस है उसे कलर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि वो जीन सेल के अंदर है या नहीं। इसलिए वो रिपोर्टर जीन है। तो बार सेलेक्टेबल मार्कर ये स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपियस से मिलता है और ये लाइफ और डेथ का सवाल खड़ा कर देता है जिसके पास ये एक्सप्रेस करेगा। सिमिलरली नॉस ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर ये वो है जो नोपालाइन नाम के जो ओपाइंस होते हैं टाइप्लाज्मिड में, याद है? तो ये उसका प्रमोटर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन का। अब यहां देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन पे दूसरा क्वेश्चन है जो उसकी जानकारी को यूज करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 बीमारियों की बात है, मैच करना है कि भाई कौन सी बीमारी कौन से क्रोमोसोम पे मिलती है। अब फिर तुम बोलोगे ये तो यार रट्टाफिकेशन है, कहां से याद करें? जरा बताना मुझे हेयर हियर, कितनी महिलाएं तुमने जिनके कानों पे बाल उगे देखे होंगे? ये तो रूटीन लाइफ है ना हमारी। कानों पे जो बाल मिलते हैं मुझे मिलते हैं आदमियों में। तो बट आदमियों में ऑटोसोम तो महिला पुरुष दोनों में है, एक्स भी, लेकिन वाई क्रोमोसोम ऐसा है जो केवल पुरुषों में मिलता है। तो बेहिचक इसे वाई से जोड़ दो तो एस का है 2। अब एस का 2 दो जगह पर है, चांस तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है एग्जाम का पेपर सॉल्व करने की। इसमें एक भी बीमारी तुम्हें अगर आइडिया है जैसे कि हीमोफीलिया एक्सलिंक्ड होती है या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये मेरा रेसेसिव डिसऑर्डर ऑटोसोमल का, अगर इनमें से एक का भी आइडिया है तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे कि आर का 4 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 एक 1.2 केबी का डीएनए फ्रेगमेंट है जिसको क्लोन किया गया है बाम H1 में एंड ब्ला 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 ब्ला। स्लाइड तुम्हारे सामने, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। सीधी सी बात है यहाँ एक वेक्टर दे रखा है, एक जीन दे रखी है, इन दोनों को आपस में जोड़कर उन्होंने रिकम्बिनेंट वेक्टर बनाया होगा और ये पूछा होगा कि अगर हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दें जैसे कि इको R1 और XHO1 तो फिर हमें फ्रेगमेंट के साइज क्या मिलने वाले, ऑप्शन में साइज दिखाई दे रहे हैं। ये जस्ट बिना पढ़े भी तुम अंदाजा लगा लोगे कि डाटा क्या है। तो क्या डाटा को देख करके तुम्हारी हवा सरक गई? अरे यार समझ लो, मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास ये वेक्टर था 2.8 KB का जिसमें एक XHO की साइट है, फिर एक बाम H1 और इकोआरवन की एक ही जगह पर साइट है, बीच में 300 का है जो डिस्टेंस है। तो बचा हुआ जो प्लाज्मिड आपका उसका डिस्टेंस हो गया फिर 2.5 KB का और आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी दे रखा है जिसके एक तरफ है बाम H1 की साइट और एक तरफ है इकोआरवन की साइट और जहां XHO1 काटता है तो वहां 500 बेस पेयर का टुकड़ा बन जाएगा क्योंकि GOI का जो साइज था वो 1.2 था, बचा हुआ जो पार्ट है वो 700 का हो गया, 700 बेस पेयर का। इनको जोड़ दिया गया दोनों को और जोड़ने के बाद जब मैं इको R1 और SHO1 दोनों डालूंगा तो जो कट कहां का लगने वाला है, कट यहां लगेगा, इस जगह लगेगा और इस जगह लगेगा। तो जो पीस मिलने वाले, एक मिलेगा मुझे 700 का पीस, एक पीस मिलेगा मुझे 300 प्लस 800 का और एक पीस मिलेगा 2.5 का। देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व अगर तुम अपने दिमाग में करते हो तो भाई एग्जाम का टाइम निकल जाएगा, तुम कभी नहीं कर पाएंगे। तो या तो सोचते रह जाओ करें ना करें, या फिर अपना पेन उठाओ और इमीडिएटली डाटा को ड्रॉ करना शुरू कर दो। जैसे ही डाटा को ड्रॉ करोगे तो क्वेश्चन अपने आप खुल जाएगा कि क्या उसका आंसर था। तो अब तुम्हें आंसर मालूम है इसका, 2500, 700 और 800 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 कॉम्बिनेशन पूछ रखा है इनमें से इनकरेक्ट। सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन, भाई हाँ, जो सरफेस पर मिलने वाले मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होते हैं वो BCRA कंपोनेंट है, बी सेल एंटीजन रिसेप्टर जिसे BCR कहते हैं। इसमें IgM और IgD मिलते हैं। अफिनिटी मैच्यूरेशन और आइसोटाइप स्विचिंग, देखो ये दो सेपरेट चीजें। अफिनिटी मैच्यूरेशन का मतलब है कि ऐसे एंटीबॉडी बनना जो एंटीजन से बढ़िया चिपकते हो। तो आइसोटाइप स्विचिंग का मतलब होता है कि जो सेल अभी IgG बना रही थी वो IgD बनाना शुरू करते या IgE बनाना शुरू करते, मतलब एंटीबॉडी क्लास बदल गई, ये मैचिंग नहीं कर रहा। FC पार्ट एंटीबॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये जरूर कहते हैं कि एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करता है और उस एंटीजन का डिस्ट्रक्शन करवा देता है, जैसे कि ऑप्शनाइजेशन मैक्रोफेज को बुला लेता है, खा जाओ इसे, या फिर ADCC मास्टर सेल को बुला लेता है, कहता है मार दो इसे।
लेकिन मास्ट सेल उसे पहचानेंगी या फिर मैक्रोफेज एंटीबॉडी को पहचानेगा, उसके लिए एफसी पार्ट का इंट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है मॉलिक्यूल के साथ। और ऐसे ही कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को जो पहचानते हैं, उससे जो एक्टिवेट होते हैं कंप्लीमेंट की क्लासिकल पाथवे, तो उसमें एफसी पार्ट रोल निभाता है, ये भी ठीक है। डी, स्प्रिंग एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है और इसका कनेक्शन नहीं होता लिम्फेटिक सिस्टम से, ये बात गलत है, सिस्टम के साथ कनेक्शन है और यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ ये दो ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, बीबी और डीबी। अब इम्यून सिस्टम है तुम ये तो जानते हो ना, जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि ये डिफेंस अवेलेबल होती है, डिफेंस के भी कई लेयर होती हैं, कुछ लोग होते हैं सलाह देने वाले, कुछ लोग होते हैं लड़ने वाले, कुछ लोग होते हैं कमांड करने वाले राजा को बचाने के लिए। यहां राजा कौन है? हमारा शरीर। और जो हमारे सिपाही हैं वो है हमारे इम्यून सिस्टम की सेल। हमारे इम्यून सिस्टम की सेल में एक ये भी आती है बी सेल और टी सेल। अब जो क्वेश्चन नंबर 38 है ये पूछ रखा है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है एंटीजन एक्टिवेटेड इफेक्टर टी सेल के लिए। टी सेल ब्रॉडली दो तरह की है, एक टी हेल्पर और एक टी सी। टी सी मान लो कातिल सेल है, जब अपने पास आती है ना तो सामने वाली सेल की धज्जा उड़ा देती है नेक्रोसिस करके। उसके पास ऐसे हथियार हैं, वो बातचीत में यकीन नहीं करती, जिस सेल को उसने पहचान लिया उसका बैंड बजाना है। टी सी सेल को हम लोग CD8 पॉजिटिव सेल भी कहते हैं, और जिन सेल्स को भी पहचाने की वो अल्टर्ड सेल्स हैं या फिर वायरस के इन्फेक्टेड सेल्स हैं या फिर ट्यूमर की सेल है। और CD8 का इस्तेमाल करके, CD8 एक रिसेप्टर है टीसी के ऊपर, इसका इस्तेमाल करके वो MSC1 को पहचानता है, जबकि जो टी हेल्पर सेल है उसका CD4 नाम का रिसेप्टर पहचानता है MSC2 मॉलिक्यूल को, MHC2 मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। ये केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में होता है जिनमें से नाम है मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल। तो जब भी कभी CD4 पॉजिटिव टी सेल कॉन्टेक्ट करती है मैक्रोफेज के साथ में, तो मैक्रोफेज को बोलती है कि भाई तुम्हारे अंदर जो भी तुमने एंटीजन पकड़ रखा सब मार डालो। ऑप्शन नंबर पी ठीक है। CD4 सेल बी सेल से भी इंटरेक्ट कर सकती है और उन्हें बोल सकती है कि डिफरेंशिएट करो प्लाज्मा सेल में ताकि एंटीबॉडी बनाकर सीक्रेट कर सको, ये भी ठीक है। CD8 सेल कॉन्टेक्ट बनाती है बी सेल के साथ और स्टिमुलेट करती है डिफरेंशिएशन को, नहीं जी ये डिफरेंशिएशन में बिलीव नहीं करती। CD8 पॉजिटिव सेल का मतलब है टी सी सेल और ये केवल जान लेती है, किसी को सलाह नहीं देती कि डिवाइड करो मत करो। ये कह लो कि हमारी सेना का कमांडर है टी हेल्पर सेल CD4 और हमारी सेल के किलर्स हैं CD8। जैसे कमांडर काम होता है सेना को यह बताना कि कहां हमला करना है, खुद तलवार लेके नहीं जाता वो, ऐसे टी हेल्पर सेल्स हैं CD4 पॉजिटिव। और जो एग्जीक्यूशनर है वो है जो तलवार हाथ में ले काटता है, वो किसी को कमांड नहीं देता, ऐसे हैं टी सी सेल। क्वेश्चन नंबर 39 जी प्रोटीन के बारे में बात कर रखी है। सिग्नलिंग में जब भी कभी बात करेंगे तो हमेशा जी से ही शुरुआत करते हैं। इस प्रोटीन की 3 सब यूनिट है, जी अल्फा, जी बीटा, जी गामा, जिसमें से गामा और बीटा है जो लिपिड एंकर्ड है, और जब जीडी भी चिपका रहता है तो ये नेटिव फॉर्म में रहता है। एक्टिव होकर जब सिग्नल आएगा तो कुछ बदलाव आएंगे, जीडीपी हट करके उसकी जगह पर जीटीपी आ जाएगा। जैसे ही जी अल्फा के पास जीटीपी आया तो जी अल्फा हट जाता है बीटा और गामा से। अब ये दोनों ही दोनों सब यूनिट्स अपना अपना अलग अलग काम करती हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जी प्रोटीन्स के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है। जीडीपी जब चिपका होता है तो वो रेस्टिंग स्टेज में, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, रेस्टिंग स्टेज इनएक्टिव स्टेट। जीटीपी से जब अल्फा सब यूनिट, जीटीपी अल्फा सब यूनिट चिपकता है तो फिर वो बीटा गामा का साथ छोड़ देता है, ये भी ठीक है। सभी जी प्रोटीन ट्राइमरिक हैं, देख लो यहाँ पे 1, 2, 3 ट्राइमरिक हैं, लेकिन सारे जी प्रोटीन ट्राइमर नहीं होते। जी प्रोटीन फैमिली में एक मेंबर ये भी होते हैं जिन्हें बोलते हैं मोनोमरिक जी प्रोटीन, जैसे कि रास फैमिली। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एक्टिव जी प्रोटीन में रिजल्ट इन एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ टारगेट एंजाइम। हाँ जी, जी प्रोटीन जो है जब एक्टिव हो जाता है तो उसकी कई फैमिलीज हैं, जैसे जी अल्फा की आई इनिबिटरी या एस स्टिमुलेटरी। कुछ सिग्नलिंग में तो जो जी प्रोटीन है वो आगे वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, और कुछ सिग्नलिंग में ये जी प्रोटीन जो एक्टिवेट होते हैं अल्फा सब यूनिट्स, ये इनिबिट भी करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी है जो गलत है। और इस क्वेश्चन से तुम्हें ये भी आइडिया मिल गया होगा कि बेसिक जी प्रोटीन सिग्नलिंग को तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या होती है एग्जाम की तैयारी के लिए। नहीं पता तो अब रिवाइज कर लो। सिग्नलिंग तो पता नहीं कब से हम करते आ रहे हैं, हमारे रियल लाइफ में सिग्नलिंग है ट्रांसमीटर्स के द्वारा, लेकिन जब हम सेल्स के अंदर की सिग्नलिंग की बात करते हैं तो इस तरह के जी प्रोटीन्स, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, उनके रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, सेकेंडरी मैसेंजर्स, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। और जब उस कहानी को तुम कोरिलेट करते हो वर्ल्ड के साथ में तो कुछ ना कुछ मिलना जुलना शुरू हो जाता है चीज़ों के साथ। चलो जासूस बनते हैं। डाटा है हमारे सामने, एक हेक्सापेप्टाइड है, एंजाइमेटिक क्लीवेज किया गया है, तो जो रिजल्ट मिले हैं अमीनो एसिड कंपोजिशन है ये। अब ये अमीनो एसिड के नाम याद होने चाहिए, वैसे इस केस में बिना याद करे भी काम चल जाएगा, बट आर किसे कहते हैं पता होना चाहिए, ए किसे कहते हैं।
ट्रिप्सिन को डाइजेस्ट कराया तो मुझे दो फ्रेगमेंट मिले, आर ए वी और आर एस वाई, और गिवन दे भी रखा कि ट्रिप्सिन आर के बाद कट करता है, यानी कि पेप्टाइड में जहां भी कहीं आर होगा तो उसकी सी साइड पे कट मारेगा। अब अगर ये एक पेप्टाइड थी और दो जगह कट करता है, देखो आर यहां पे दो है, तो अगर दो जगह पहचानता एक लाइन में दो जगह कट लगते तो कितने पीस मिलने वाले थे, 1, 2, 3, लेकिन मिले कितने हैं, 1 एंड 2, तो उसका मतलब ये कि एक आर किनारे पर है, या तो शुरू में या लास्ट में। और इंडीड शुरू में होता तो यहां कट लगता, लेकिन लास्ट में यहां कट किसके आगे मारोगे, तो जो लास्ट वाले ऑप्शन था वो चेक करने हैं तुम्हें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और ए तो गया, अब इनमें कंफ्यूजन है। तो एक फ्रेगमेंट है आर ए वी का, एक फ्रेगमेंट है आर ए वी का, और एक फ्रेगमेंट है आर एस वाई का। तो अगर यहां इस आर के बाद कट लगता है तो ये आर एस वाई का फ्रेगमेंट मिल गया मुझे, और ये ए वी आर मतलब ये वाला फ्रेगमेंट, ऑप्शन नंबर बी सॉल्व हो गया। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं पेप्टाइड सीक्वेंसिंग के, अगर हम इनकी प्रैक्टिस कर लें और एंजाइम्स का नाम याद रखें तो एग्जाम में बड़े आसान बन जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इनके लिए। आई फ्लाई की क्लासेस में हम लोग ऐसे ही बहुत सारे सवालों को और डिटेल में समझाते हैं। इन वीडियोस में तो हम केवल लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, लेकिन जब कभी इन क्वेश्चनों को हम क्लास में करते हैं और इसका डाटा देखते हैं तो हम हर क्वेश्चन की बखिया उधर देते हैं, हम सीख लेते हैं कि क्वेश्चन किसी भी एंगल में आ जाए हमको सॉल्व करना। ये क्लासेस व्हाट्सएप स्काइप पर होती हैं, बहुत अफोर्डेबल क्लासेस हैं, सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन। क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं गेट और नेट के लिए। ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो 9013902981। अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें यूट्यूब पर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बड़ी सी घंटी के साथ, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए फेसबुक व्हाट्सएप और जहां भी तुम्हारा मन करता है। आईफ्लाई तुम्हारे सभी एग्जाम्स के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करता है ताकि तुम जल्दी से चीजों को सीख सको और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। धन्यवाद।